हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल निधि कौशिक NKCC पर। दोस्तों क्या हुआ कि मैंने ये वीडियो कंप्लीट बनाई थी, लेकिन पता नहीं किसी कारण से वो पूरी नहीं हो पाई और मुझे भी पता भी नहीं चल पाया कि वो कब स्टॉप हो गई। क्योंकि क्या होता है कि इन सबको समझाना, वीडियो को करना, मतलब एंगल सब सेट करना, मेरे को खुद ही करना पड़ता है। मैं अकेली ही करती हूँ ये सब कर रही हूँ, और तो इस वजह से मुझे नहीं पता चल पाया कि कब वीडियो स्टॉप हो गई, और इसलिए मुझे दोबारा वीडियो बनानी पड़ी। देखिए, यहाँ तक मैं आप लोगों को सिखा चुकी थी गोल्डन रूल्स के 3 टाइप्स सिखा चुकी थी मैं आपको, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, आगे हम जब ये तीनों गोल्डन रूल्स समझ चुके हों तो उसके बाद हमें हमारी बारी आती है उसके फॉर्मेट में उसको कैसे टाइप करना है, उसको कैसे लिखना है। तो उसका फॉर्मेट हमें कैसे लिखना है ये मेरे को दोबारा बनाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे नहीं पता चला। कोई बात नहीं, दोबारा बना देते हैं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, देखो सबसे पहले क्या होता है, जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में कितने कॉलम्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए। इसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5, हमारे कितने कॉलम्स होते हैं इसमें, 5 कॉलम्स होते हैं जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में। फर्स्ट में हम डेट मेंशन करते हैं, सेकंड में हम पर्टिकुलर होता है, और इसमें लेजर फोलियो होता है, इसमें अमाउंट डेबिट वाला, एंड 5th कॉलम में अमाउंट क्रेडिट वाला होता है। देखिए अब इसको जो हमने ये रूल सीख तो लिए हैं, डेबिट में क्या आना चाहिए, क्रेडिट में क्या आना चाहिए, हमने ये भी सीख लिया है, लेकिन हमें जब क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में हमें इस फॉर्मेट के थ्रू कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व, उसको सॉल्यूशन कैसे करना है वो हम देखेंगे। इस फॉर्मेट के अंदर कैसे काउंट करते हैं, मतलब लिखते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको दिख रहा होगा कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट मैंने क्यों लिखा। देखिए कैश अकाउंट और कैपिटल लिखने का मेरा मकसद है कि अगर हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें उसमें पहले कैश लगाना पड़ता है, मोटा पैसा लगाना पड़ता है ज्यादातर। तो अब ये क्या हुआ कि कैश बिजनेस, मतलब कैश आ रहा है हमारा बिजनेस के अंदर स्टार्ट करते हुए, तो इसलिए हमने कैश को कर दिया डेबिट। अभी आपको समझ नहीं आएगा मैंने क्यों कहा है कि कैश आ रहा है तो उसको कर दिया मैंने डेबिट, ये मैं तुम्हें अंत में बताऊंगी। तो कैपिटल हम शुरू में लगाते हैं अपने बिजनेस में, तो इसी वजह से मैंने कैश अकाउंट, बिजनेस को स्टार्ट करते हुए जो हम कैश लगाते हैं उसको हम कहते हैं कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड इसको कहते हैं हम नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है, नरेशन से ये पता चलता है कि किस वजह से डेबिट और क्रेडिट हुआ है, क्या मतलब किस, व्हाट इज द रीजन ऑफ, ठीक है। तो हमने क्यों लिखा है यहाँ पे ये हमें पता चल जाता है। देखिए अब सेकंड जो है, मैंने आपको पर्सनल अकाउंट समझाने की कोशिश की है, मैंने आपको बताया था पर्सनल अकाउंट होता है व्यक्तिगत खाता, यानी कि व्यक्ति से संबंधित, इसमें लेन देन होता है व्यक्ति का पर्सनली। एक सेकंड बच्चों मैं वीडियो देख रही थी कि कहीं वापस से तो स्टॉप नहीं हो गई है, एक सेकंड इसलिए बोला था रुकने के लिए आपको, वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो क्या होता है यहाँ पे, राम को डेबिट और कैश क्रेडिट क्यों करा है मैंने, क्योंकि पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाते के संबंधित बात करेंगे हम इसमें। व्यक्तिगत से समझ में आ रहा होगा कि व्यक्ति से संबंधित है, व्यक्तिगत लेन देन से संबंधित है। तो देखिए राम्स को डेबिट ही क्यों करा मैंने, क्योंकि मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से बोलती हूँ कि राम को पैसे मिले, राम को कैश मिला, तो वो व्यक्ति है राम, इसलिए वो व्यक्तिगत खाता हो गया। क्या मिला है, कैश मिला है, और मैंने आपको सिखाया था कि जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है। अब पैसे किसको मिले हैं, राम को मिले हैं, कैश किसको मिला है, राम को मिला है, तो इसीलिए राम क्या हो गया, रिसीवर। और हमारे पर्सनल रूल, जो पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि रिसीवर हमेशा डेबिट होगा, तो मैंने इसलिए राम को डेबिट कर दिया। उसको क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कैश क्रेडिट होना ही होना है, तो कनेक्ट है ना वो, कैश और राम दोनों कनेक्ट है। अब राम का हमें पता चला कि वो डेबिट है, तो उससे कनेक्टेड दूसरा ऑप्शन वो क्रेडिट ही होगा, ये ट्रिक। ओके तो नेक्स्ट आता है हमारा जो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि रियल अकाउंट में एसेट्स काउंट होती हैं, और एसेट्स क्या होती हैं हमारी, क्या होती हैं एसेट्स, पहली बात तो आप एक बात याद रखना, एसेट्स हमारी हमेशा ही डेबिट साइड आइटम्स होती हैं, एसेट्स हमेशा ही हमारी डेबिट साइड आइटम्स होती हैं। और अगर हम एसेट्स को परचेज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो व्हाट्स कम्स इन, मैंने सिखाया था आपको रियल अकाउंट में
डेबिट में डालना, यानी कि ये रहा व्हाट कम्स इन, मैंने आपको डेबिट में डालना सिखाया था रियल अकाउंट में। तो इसी तरीके से मैंने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर है हमारा एसेट्स, तो मैंने अगर वो आया है कम्स हुआ है तो इसलिए मैंने फर्नीचर को कर दिया डेबिट। और फर्नीचर खरीद, जब हम फर्नीचर को परचेज करते हैं तो क्या पे करना पड़ता है, कैश पे करना पड़ता है। तो उससे कनेक्टेड सेकेंड कैश जो है वो हमारा क्रेडिट में चला गया, ये रियल अकाउंट। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम नॉमिनल अकाउंट पे। अब जो हमारा नॉमिनल अकाउंट है उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस हमारे डेबिट होंगे, ऑल इनकम्स एंड गेन्स हमारे क्रेडिट होंगे। जो ऑल लॉसेस हैं या फिर हमारे जो मतलब एक्सपेंसेस हैं, अब देखिए उसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मैं एक बिजनेस कर रही हूँ और मैंने कुछ वर्कर्स को रखा हुआ है, अब मुझे उनकी सैलरी पे करनी है, अब सैलरी पे कर रहे हैं तो मैं एक्सपेंस कर रही हूँ, वर्कर्स को पे कर रही हूँ, एक्सपेंस हो रहा है मेरा, तो इसलिए मैंने सैलरी को कर दिया डेबिट 2000 रुपीज से, क्योंकि सैलरी एक्सपेंस में अकाउंट हो गई है और नॉमिनल अकाउंट में हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेज आते हैं डेबिट। ऐसे ही हम इनकम और गेन के संबंधित देख लेते हैं कमीशन। अगर आपको कमीशन मिल रहा है, सपोज करो कि कहीं आप मार्केटिंग में कुछ जॉब कर रहे हो, आपको कुछ एक जितना आपका टारगेट होता है उससे आपने ज़्यादा कर दिया है और उसको ज़्यादा पर आपको मिल रहा है कमीशन, तो वो आपका क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो वो आपका गेन किस साइड आएगा, वो आएगा क्रेडिट साइड, क्योंकि गेन कहाँ आते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट में, क्रेडिट में आते हैं। तो क्रेडिट अकाउंट में मतलब कमीशन को मैंने क्रेडिट कर दिया, और ऑब्वियसली बात है कमीशन मिल रहा है तो कैश के रूप में मिल रहा है, तो उससे कनेक्टेड कैश कहाँ आ जाएगा, डेबिट में। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आप कभी भूल जाते हैं कि कोई जो अकाउंट है और एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके आप भूल जाते हैं कि क्या करें, जर्नल एंट्री में नॉमिनल अकाउंट सुना सुना तो लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा कि कौन सा आइटम डेबिट करें कौन सा क्रेडिट करें, वैसे जो मैंने रूल्स आपको बताए हैं सिखाए हैं, कोशिश की है कि आप वीडियो के अंदर ही सीख जाएं, लेकिन अगर भूल जाएं तो एक छोटी सी ट्रिक है, उसको हमेशा याद रखना, फिर कभी नहीं भूलोगे। देखिए अब क्या होता है कि किसी भी एंगल से आपको कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है, किसी भी एंगल से कैश आ रहा है तो उस कैश को कर दो डेबिट, किसी भी एंगल से कैश जा रहा है तो उस कैश को कर दो क्रेडिट। अब एक बात तो आप सोच ही सकते हो ना एग्जाम में बैठ करके, अगर आपको लिखा है, सैलरी पे करी, तो अब आप दिमाग लगाओ सैलरी पे करेंगे तो कैश तो जा रहा है, अब जब कैश जा रहा है तो हमने कैश को कर दिया क्रेडिट में। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा है यार कि सैलरी पे करी, तो सैलरी पे करिए तो कैश जा रहा है सैलरी पे करने पर, तो हमने क्रेडिट में कैश डाल दिया तो उससे कनेक्टेड क्या है, सैलरी, तो ऑब्वियस सी बात है सैलरी को हम डेबिट में डाल देंगे। अब एक चीज और सोच लो, एक एग्जांपल और दे देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। अगर आपको बोल दिया जाए कि फर्नीचर परचेज किया, आपने दिमाग लगाया यार रियल अकाउंट में आता है एसेट्स, कुछ कुछ सुना है बट याद नहीं आ रहा, तो वापस से आप क्या करोगे कि फर्नीचर खरीद लिया परचेज कर रहे हैं तो हमारी तरफ से तो कैश जा रहा है, हमने कैश को कर दिया क्रेडिट, कैश जा रहा है हमने कैश को कर दिया आराम से क्रेडिट कर दिया। अब आपने प्रश्न में पढ़ा फर्नीचर परचेज किया है, कैश का तो लिख दिया क्रेडिट में आ गया, अब उससे कनेक्टेड क्या है, फर्नीचर ही तो खरीदा है यार, तो जो हमने फर्नीचर खरीदा उसको कर दिया हमने डेबिट। तो आई होप ये वाली ट्रिक आपको अच्छे से याद आई हो। एक चीज और याद रखना आप इस चीज के अंदर, कि अगर आपको जर्नल एंट्रीज में कह दिया जाए किसी भी चीज के लिए कि आपको इतने आइटम्स ऑर्डर किए, ऑर्डर करने की एंट्री कभी भी जर्नल एंट्रीज में नहीं लिखी जाती, तो अगर आपको क्वेश्चन में बता दिया जाए कि 500 चीजों का ऑर्डर दिया है तो आप उसे जर्नल एंट्री में मत लिख देना, नो एंट्री होता है उसके लिए, हो जाएगा आपका क्या, जहां पे भी हो मतलब नो एंट्री आप डाल देंगे, क्योंकि ऑर्डर करी हुई चीजों की कभी भी एंट्री नहीं होती। एक चीज और, जैसे आप किसी कुछ भी नाम वगैरह लिखते हैं ना, जैसे राम को मिला है तो रिसीवर क्या होता है आपका डेबिट होता है, तो रिसीवर को करना है हमें डेबिट। तो जैसे ही मैंने राम के और सब में फर्नीचर में फर्नीचर्स नहीं लिखा, सैलरीज नहीं लिखा, यानी कि सभी में मैंने अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया है,
सिर्फ राम में लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि ये भी एक जर्नल एंट्रीज को राइट करने का एक जो है रूल होता है कि जब हम किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं ना, तो उसके आगे हम या तो अकाउंट ही ना लगाएं, अगर हमें अकाउंट लगाना है तो हम उस नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएं। अगर तुम्हें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है तो आप अकाउंट भी हटा दीजिए यहाँ से, सिर्फ लिखिए राम डेबिट। अगर आप सभी के साथ अकाउंट लगाते हैं, आपको हैबिट है अकाउंट लगाने की, तो आप अपोस्ट्रोफी एस लगाइए और फिर उसके साथ अकाउंट लगाइए। ये भी एक बेसिक रूल था इसका। आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ और वीडियो की रिव्यू में ही आपको मैं सारा कुछ याद करा पाई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो से ज़रा भी हेल्प मिली है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जो मेरे कुछ ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट हैं उनकी वजह से, और जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं उनकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि उनको ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स गेन कर पाए एंड मैं अच्छे से उनको सिखा पाऊँ कुछ। एजुकेशन में मैं मतलब बहुत ज़्यादा सिखाना, मेरे को मतलब जो मेरे बच्चे हैं उनको मल्टीपल रिवाइज करवाने के लिए मैं वीडियो बनाया है, और बाकी बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिल सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और बताइए मुझे आपकी कैसी लगी मेरी जर्नल एंट्रीज सिखाने का मैथड। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।